साल खत्म होने को है और ईयर एंड के मौके पर टैशो काफी लेकर आया है ग्रैंड फिनाले सेल, बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2023, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और पाइए एश्योर्ड कैशबैक अप टू 100%। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ग्रैंड फिनाले सेल का लाभ उठाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि टेक्स्टबुक की ग्रैंड फिनाले सेल में पार्सलों परचेज करने पर हर घंटे मोटरसाइकिल, आईपैड और मोबाइल फोन जीतने का मौका मिल रहा है। यही नहीं, और सुनिए, एक साल का पार्क प्रो मिल रहा है मात्र 269 रुपए में। तो देर मत कीजिए, ये ईयर एंड ऑफर है, एक साल बाद ही वापस मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर ऑफ दिसंबर। दिसंबर मंथ आप सभी को पता है आज इस मंथ का और इस ईयर का लास्ट डे है। तो इस पूरे मंथ में हमने जो भी न्यूज़ पढ़ी है उसको एक सेशन में हम लोग रिवाइज करेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बट उससे पहले एक बार आपको रिमाइंड करा दें क्योंकि इस ग्रैंड फिनाले सेल का भी आज लास्ट डे है। यहाँ पर आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे तो आपको 90% तक का ऑफ मिल जाएगा, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, प्लस एश्योर्ड कैशबैक मिलेगा अप टू 100%। उसके लिए सिंपली आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया जी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिले मत करिए आप लोग, आज लास्ट डे है, कोई भी कोर्स आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। इवन टेक्स्ट बुक पास पर भी आपको ऑफर मिल रहा है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की, कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, थ्रू आउट द यूनिवर्स एवरीथिंग हैपेंस इन द प्रेजेंट, ऑल एल्स इज अ मेमोरी, द पास्ट और एन इमेजिन्ड फ्यूचर। सो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट प्लेस टू बी एट एनी टाइम। पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें होती हैं वो सिर्फ प्रेजेंट में होती है, उसके अलावा जो भी चीज है या तो वो पास्ट होगा हमारी मेमोरी या फिर वो इमेजिन फ्यूचर होगा। जो सच में हो रहा है वो सिर्फ प्रेजेंट में हो रहा है, तो अपने प्रेजेंट में रहिए तो आप एक स्मूथ लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। आगे क्या होगा उसको भी आप नहीं पता कर सकते, तो बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में कि क्या होगा उसको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने प्रेजेंट को बेटर करेंगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। सो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट प्लेस टू बी एट एनी टाइम। सो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और बात करिए अगर चैंपियंस की, तो आज संडे है, आपको पता है संडे को जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो सभी हमारे चैंपियन और विनर होते हैं। अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप लोग आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड इन दिसंबर 2023। आपको बताना है दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। क्विकली एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड इन दिसंबर 2023। ओके, वेरी वेल डन, बाराकोटा इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ईयर डज द गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम 7480 मेगावाट टू 22480 मेगावाट। आपको बताना है सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22480 मेगावाट तक करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी वेल डन, 2031-32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिसंबर 2023 द हाई लेवल सेंट्रल कमिटी हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह approved the recovery and reconstruction plan of ₹1,658 crore for what, है ना, जोरहाट असम, जोशीमठ उत्तराखंड, काठुआ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरकाशी उत्तराखंड, नन ऑफ दीज। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय केंद्रीय समिति ने किसके लिए 1,658 crore की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड, जोशीमठ उत्तराखंड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ दिसंबर 2023 इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस। आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन किया। सूरत, न्यू दिल्ली, मुंबई, राजकोट, नन ऑफ द अबव। ओके, सूरत इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूरत। नेक्स्ट वन इज विच स्टैचुरी बॉडी और रेगुलेटरी बॉडी हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन विजन 0 2023 अवार्ड एट द 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हेल्ड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? ओके, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दैट इज ESIC इज द राइट आंसर। सो ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को हाल ही में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आयोजित 23वें विश्व कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ विजन 0 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू सेल हाउ मच परसेंट स्टेक इन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। 2023 में भारत सरकार ने बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में कितने परसेंट हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा? ओके, 8% इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट रेस्ड अराउंड ₹16,000 करोड़ थ्रू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ विच मोर देन हाउ मच अमाउंट वर प्रोवाइडेड फॉर रेन्यूएबल एनर्जी। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से लगभग 16,000 करोड़ रुपए जुटाए जिनमें से कितने से भी अधिक रुपए को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रदान किया गया। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, 6,186 करोड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ दिसंबर 2023 इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल वॉज बिल्ट एट द साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन विच सिटी। आपको बताना है दिसंबर 2023 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल किस शहर में साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में बनाया गया था। क्वेश्चन में आंसर है अगर ध्यान से आप लोग पढ़ें तो, वेरी वेल जन, अहमदाबाद गुजरात इज द राइट आंसर। साबरमती से आप लोग इजिली गेस कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई? इसका आंसर क्या होगा? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई। चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द डीजी फार्म्ड एप्लीकेशन, अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन टू प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज टू फार्मेसी इंस्टीट्यूशन फार्मासिस्ट। इसका आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के स्वायत्त निकायों का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फार्मेसी संस्थानों फार्मासिस्ट को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन डिजी फार्मेट एप्लीकेशन का नया संस्करण स्टार्ट किया। ओके, वेरी गुड, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द वाटर स्मार्ट किट कैंपेन एंड इनिशिएटिव अंडर द जल जीवन मिशन। हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत एक वाटर स्मार्ट किट अभियान को शुरू किया? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, मेघालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट अप्रूव्स 1,261 करोड़ स्कीम फॉर ड्रोन्स टू वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फॉर द यूज ऑफ ड्रोन्स अ क्लस्टर ऑफ हाउ मेनी विलेजेस विल बी फॉर्म्ड। कैबिनेट ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन के लिए 1,261 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। ड्रोन के उपयोग के लिए कितने गांव का एक क्लस्टर बनाया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, 10 to 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन 2023 यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी लॉन्च्ड द ऑक्शन प्रोसेस ऑफ हाउ मच क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स विच इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ अराउंड ₹45,000 करोड़। 2023 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कितने महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 45,000 करोड़ रुपए है? इसका आंसर क्या होगा? ओके,
20 इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20. नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरयू की मैत्री 8 क्यूब अनवेल्ड. आपको बताना है विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल. पोर्टेबल का मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं ना, कैरी कर सकते हैं, और ये एक क्यूब के फॉर्म में ये बनाया गया है. तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरयू की मैत्री 8 क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, गुरुग्राम इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम. नेक्स्ट वन इज इन 2023 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड विच सिटी सेकेंड फ्लोटिंग सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन एट रविदास घाट. इसका आंसर क्या होगा? 2023 में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने रविदास घाट पर किस शहर के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन किया? ओके, वेरी गुड. वाराणसी इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी. नेक्स्ट वन इज एथलीट मुरली श्रीशंकर इज अबाउट टू रिसीव जिमी जॉर्ज अवार्ड विच स्पोर्ट इवेंट इज ही रिलेटेड विद. आपको बताना है एथलीट मुरली श्रीशंकर जी ये किससे रिलेटेड है? आंसर क्या होगा इसका? ओके, वेरी गुड. लॉन्ग जंप इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉन्ग जंप. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिकेम्स द फास्टेस्ट इंडियन टू 4000 T20 रन. आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाला भारतीय बन गया है? ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने किया है रिविजन इसका. ओके, वेरी गुड. ऋतुराज गायकवाड़ इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋतुराज गायकवाड़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग रिलीज्ड इन दिसंबर 2023 नोवाक जोकोविक हैज अर्नड द ईयर एंड नंबर वन स्पॉट इन द एटीपी रैंकिंग फॉर द विच टाइम. इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन. एट्थ इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट्थ. नेक्स्ट वन इज हु इन दिसंबर 2023 वर इंडक्टेड इन टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम मेकिंग हिस्ट्री एज द फर्स्ट एशियन मैन टू अचीव दिस ऑनर. दिसंबर 2023 में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है जिन्होंने यह सम्मान हासिल करने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में इतिहास रचा है? वेरी वेल डन. लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज. सो लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज इज द राइट आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में हमें ये देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2023 द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंट्रोड्यूस्ड अ स्टॉप क्लॉक इन मेंस ओडीआई एंड 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस. द बॉलिंग टीम इन मेंस ओडीआई एंड टी20 इंटरनेशनल विल बी इम्पोज्ड अ हाउ मेनी रन पेनाल्टी इफ द बॉलर फेल्स टू बॉल द नेक्स्ट ओवर विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ओवर फॉर द थर्ड टाइम इन एन इनिंग. ये वाली न्यूज मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है ना कि ये जो आईसीसी ने स्टॉप क्लॉक को इंट्रोड्यूस किया है इसका मतलब क्या है. तो आपको बताना है अगर कितने सेकेंड में है ना, अगर मतलब एक ही इनिंग के दौरान अगर 3 बार ऐसा होता है कि एक ड्यूरेशन दिया गया है कि इतने सेकेंड में है ना, अगर उन्होंने नेक्स्ट इनिंग स्टार्ट नहीं की तो सामने वाली टीम को एज अ पेनाल्टी इतना रन दे दिया जाएगा. आंसर क्या होगा? अगले ओवर के स्टार्ट होने के लिए कितना ड्यूरेशन दिया गया है? वेरी वेल डन. 5 रन एंड 60 सेकेंड. मतलब अगर विद इन 60 सेकेंड में है ना, 60 सेकेंड के अंडर एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर शुरू होने पर अगर 60 सेकेंड के अंडर हम नेक्स्ट ओवर स्टार्ट नहीं करेंगे तो, और अगर इनिंग के दौरान ये 3 बार होता है ना, अगर इनिंग के दौरान ऐसा 3 बार होगा तो सामने वाली टीम को 5 रन एज अ पेनाल्टी दे दिया जाएगा. मतलब सामने वाली टीम को फ्री में 5 रन दे दिए जाएंगे और बॉलिंग टीम को पेनाल्टी मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बिकेम इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर बाय क्रॉसिंग द 2500 एलो लाइव रेटिंग इन द 4th एडिशन ऑफ द लॉब्रिगेट ओपन चेस टूर्नामेंट. सिंपल सा क्वेश्चन है, 84th ग्रैंड मास्टर कौन बना है? वेरी वेल डन. वैशाली रमेश बाबू इज द राइट आंसर एंड दे बिकेम द 3rd फीमेल ग्रैंड मास्टर, वीमेन ग्रैंड मास्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड राशिद खान एज द ब्रांड एम्बेसडर. उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में राशिद खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन. स्पोर्ट्स बाजी इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट वन इज इन 2023 यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 टू बी हेल्ड इन विच स्टेट इन दिसंबर 2023। आपको बताना है कि जो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। वेरी गुड, दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज टेनिस टीम हैज रिसेंटली वन द डेविस कप 2023 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश की टेनिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 को जीता है, इसका आंसर क्या होगा। ओके वेरी वेल डन, इटली इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इटली। नेक्स्ट वन इज हु इज सेड टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। वेरी वेल डन, मोहन यादव है ना, मोहन यादव जी इज द राइट आंसर। अच्छा इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इसके पहले कौन था, नाम तो याद ही होगा आप लोगों को, बताइए। हु टुक द चार्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपको बताना है भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है, एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वेरी वेल डन, जितेश जॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड। हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसका आंसर क्या होगा। ओके विवेक कुमार गुप्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द पीएफआरडीए बोर्ड। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी बोर्ड की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि पीएफआरडीए बोर्ड का पार्ट टाइम मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है। ओके वेरी गुड, परमा सेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड हर्ष कुमार भानवाला एज द एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 3 ईयर। हाल ही में किस बैंक ने हर्ष कुमार भानवाला को 3 वर्षों के लिए अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड, HDFC बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड स्मृति मंधाना एज ए ब्रांड एम्बेसडर। आपको बताना है हाल ही में स्मृति मंधाना को किस बीमा कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके वेरी वेल डन, PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन इज इन 2023 हु बिकेम द फर्स्ट वेमेन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द 8-डे कैंप टू अ गवर्नर। 2023 में राज्यपाल की सहयोगी डे कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी कौन बनी है, इसका आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड, मनीषा पाधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन दिसंबर 2023 राजीव आनंद वॉज नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। दिसंबर 2023 में राजीव आनंद को किस बीमा कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, नन ऑफ दीज, आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन दिसंबर 2023 हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ स्किल्ड लेबरर्स फ्रॉम इंडिया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने दिसंबर 2023 में भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सी कंट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके वेरी वेल डन, सऊदी अरब इज द राइट आंसर। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच टू कंपनीज रिसेंटली अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन टू एनहांस व्हीकल इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ गेमिंग एंड AI कैपेबिलिटीज, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड, एनवीडिया एंड मीडिया टेक इज द राइट आंसर। सो एनवीडिया एंड मीडिया टेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द DBS बैंक इंडिया
वीजा एंड अमेजोन टू प्रोवाइड एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापक श्रेणी की सेवाएं प्रदान करने के लिए डीबीएस बैंक इंडिया, वीजा और अमेजोन के साथ पार्टनरशिप किया है। इसका आंसर क्या होगा? ओके, गोदरेज कैपिटल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच बैंक अलोंग विथ टाटा न्यू हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टाटा न्यू इन्फिनिटी एंड प्लस क्रेडिट कार्ड। टाटा न्यू के साथ किस बैंक ने हाल ही में टाटा न्यू इन्फिनिटी और प्लस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, एचडीएफसी बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओके, वेरी गुड, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज द राइट आंसर, दैट इज AIIB। नेक्स्ट वन इज नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द सर्वे ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम इन इंडिया। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत में 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम बनाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, जेनेसिस इंटरनेशनल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्किल्ड इंडिया लेबरर्स। इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में किस देश ने कुशल भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ओके, वेरी वेल डन, सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट वन इज नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी सेक्टर। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, असम इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द सैटलॉजिक इंक टू डेवलप लोकल स्पेस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इन इंडिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में स्थानीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सैटेलाइट इंक के साथ साझेदारी की है? ओके, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फोकस ऑफ द स्ट्रेटजिक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टाटा एडवांस्ड सिस्टम एंड सेटलॉजिक। ये आप लोगों को आंसर पता चल गया। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिल्डिंग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इन इंडिया। सो भारत में निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों का निर्माण करना इसका मेन फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ड्राफ्टेड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, झारखंड इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। नेक्स्ट वन इज इंडिया रैंक 49th इन IMD's वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग। विच कंट्री हैज टॉप्ड द लिस्ट। IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर है। सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? ओके, USA इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है USA। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द क्वार्टर 3 2023 मरकॉम इंडिया रूफटॉप सोलर रिपोर्ट रिलीज बाई मरकॉम इंडिया रिसर्च इन 2023, द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडिया रजिस्टर्ड अ 34.7% ईयर ऑन ईयर जंप टू हाउ मच मेगावाट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 2023। इसका आंसर क्या होगा? ओके, 431 मेगावाट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेवन एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग 2023। अभी हमने इसको पढ़ा था, क्वेश्चन में हमने बताया था कि इंडिया की रैंक कितनी है, टॉप किसने किया है ये आपसे पूछा गया था। अब आपसे डायरेक्टली इंडिया की रैंक पूछी जा रही है तो प्लस वन मार्क्स आपको फ्री में मिल रहा है ना। बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड, 49th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन नवंबर 2023 द 9th एडिशन ऑफ द नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नैट पोलरिक्स 9th वॉज कंडक्टेड बाई इंडियन कोस्ट गार्ड इन विच स्टेट। इसका आंसर क्या होगा। नेट पॉलिटिक्स 9th ये जो एक्सरसाइज है ये कहां पर कंडक्ट कराई गई। ओके, गुजरात इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। इन 2023 सी के गोपीनाथन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ विच बैंक पास्ड अवे। 2023 में किस बैंक के बोर्ड के निदेशक सी के गोपीनाथन जी का निधन हो गया। ओके, धनलक्ष्मी बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धनलक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट वन इज इन 2023 द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द प्रपोज्ड एक्विजिशन बाय एटलस 2022 होल्डिंग्स लिमिटेड टू इंक्रीज इट्स वोटिंग राइट्स शेयर होल्डिंग इन वोडाफोन ग्रुप लेक बाय हाउ मच परसेंट फ्रॉम लेस देन 25%। इसका आंसर क्या होगा। 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वोडाफोन ग्रुप PLC में अपने वोटिंग अधिकार यानी कि शेयर धारिता को 25% से कम रखकर कितने परसेंट बढ़ाने के लिए एटलस 2022 होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दिया है। ओके, 14.6% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट फॉर मीडियम कैटेगरी ड्रोन फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हाल ही में किस कंपनी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मध्यम श्रेणी के ड्रोन के लिए दूसरे प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या होगा। ओके, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इज द राइट आंसर। विच वर्ड हैज बीन सिलेक्टेड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। आपको बताना है ऑक्सफोर्ड ने इनमें से कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है। आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड, रिज इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंडिजिनस बायो स्पेस कैप्सूल प्रोटोटाइप एमिंग टू फ्लाई एस्ट्रोनॉट बाई 2030। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाल ही में किस देश ने 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ाने का लक्ष्य रखते हुए एक स्वदेशी बायो स्पेस कैप्सूल प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। आंसर बताइए क्या होगा। ओके, वेरी गुड, ईरान इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईरान। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द अमा बैंक स्कीम टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड ग्राम पंचायत। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए अमा बैंक योजना शुरू की है। इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी वेल जन, ओडिशा इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिसंबर 2023 द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन अ न्यू लास्ट माइल मोबिलिटी कंपनी विच विल बी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने एक नई अंतिम मील गतिशीलता कंपनी में कितने रुपए का निवेश करने की घोषणा की है जिसे नवनिर्मित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 600 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ बजट फ्रेंडली टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म. माई भारत इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन से डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है? वेरी गुड, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेटा द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ ₹1,006.03 करोड़ वर सोल्ड एंड इनकैश्ड इन द मोस्ट रिसेंट ट्रांजेस ऑफ सेल्स हेल्ड इन नवंबर 2023. विच सिटी सिक्योर द हाईएस्ट सेल इन द ट्रांस सेल अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए हम इस बॉन्ड का यूज करते हैं और SBI is the online only authorized bank जो इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करते हैं. ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि किस शहर ने चुनावी बॉन्ड के तहत किस्त बिक्री में सबसे अधिक बिक्री हासिल की है? ओके, हैदराबाद तेलंगाना इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज कॉन्क्लूडेड रिसेंटली इन नागालैंड. नागालैंड में अभी रिसेंटली हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया? ओके, 24th इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज इन 2023 द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड विद द विच ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर आइडेंटिफाइड अंडर द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव. निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल के तहत कितने जिलों की पहचान की गई? 75 इज द राइट आंसर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड टैब डिस्ट्रीब्यूशन टू क्लास 8 स्टूडेंट्स. किस राज्य सरकार ने क्लास 8 के छात्रों को टैब वितरण शुरू किया? ओके, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर. इन विच इंडियन सिटी द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये भी हम लोगों ने किया था है ना, जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये गुरुग्राम हरियाणा में इसको इनॉग्रेट किया गया, मतलब लॉन्च किया गया. लुपिन लॉन्च्ड विल्फोरो जी द वर्ल्ड फर्स्ट फिक्स्ड डोज ट्रिपल कॉम्बिनेशन ड्रग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ COPD इन इंडिया. आपको बताना है COPD में P का फुल फॉर्म क्या है, प्लस आपको COPD का पूरा फुल फॉर्म भी बताना है. ठीक है, दोनों मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए. ओके, वेरी वेल डन. पल्मोनरी हिंट दे दे रही हूँ, पल्मोनरी डिजीज से ये रिलेटेड है. ठीक है, अब मुझे पूरा बताइए COPD का फुल फॉर्म क्या होगा. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन इंडियन बैंक्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू मार्च 2023. पिछले वर्ष से मार्च 2023 तक भारतीय बैंकों में लावारिश जमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट की बात हो रही है यहाँ पर. ओके, वेरी वेल डन, 28% इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज इन विच कैटेगरी डिड NTPC कांति रिसीव द फिक्की वॉटर अवार्ड 2023. NTPC कांति को किस श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? ओके, इंडस्ट्रियल वाटर यूज इफिशियंसी इज द राइट आंसर. औद्योगिक जल उपयोग दक्षता इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट वन इज इन 2023 द SBI म्यूचुअल फंड रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्वायरिंग एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ अप टू 9.99% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच बैंक. एक्सिस, RBL, IDFC फर्स्ट बैंक, करुण वैश्य बैंक, नन ऑफ दीज. ओके, करुण वैश्य बैंक इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज नेम द इनिशिएटिव दैट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू टैकल डाइवर्स चैलेंजेस. इसका आंसर क्या होगा? उस पहल का नाम बताइए जिसे हाल ही में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा शुरू किया गया. बिल्ड फॉर भारत इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द एनिमी प्रॉपर्टी शेयर्स वर्थ रुपीज हाउ मच करोड़ वर सोल्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव टू डिस्पोज ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया. हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत में शत्रु संपत्तियों के निपटान की पहल के तहत कितने रुपए मूल्य के शत्रु संपत्ति शेयर बेचे गए? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2,709 करोड़. नेक्स्ट वन इज विष्णु देवसाई हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. आपको बताना है विष्णु देवसाई ये किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं?
ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट। ओके, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द इटली सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट। इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? वेरी गुड, कबीर बेदी इज द राइट आंसर। व्हाट वॉज द इन्फ्लेशन रेट इन नवंबर अकॉर्डिंग टू द सीपीआई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग नवंबर में इन्फ्लेशन रेट कितना है, मतलब सीपीआई पूछा गया आपसे। ओके, 5.55% इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री अनाउंस्ड टू कॉन्फर द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2023? हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज द राइट आंसर। अंडर विच स्कीम हैज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड 140 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एंड 2.73 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप्स? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस योजना के तहत 140 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.73 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप स्थापित किया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, दैट इज पीएम कुसुम योजना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द हुरुन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 शोकेसिंग यंग एंटरप्रेनर्स विद एक्सेप्शनल प्रोस? इसका आंसर क्या होगा? असाधारण कौशल के साथ युवा उद्यमियों का प्रदर्शन करते हुए हुरुन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैवल वोहरा एंड आदित्य पालीजा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनुअल पीएलएफएस रिपोर्ट फॉर 2023? आपको बताना है 2022-23 की वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर कितना है? ओके, 3.2% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द एलिविएटिंग हीट स्ट्रेस बाई इनहेंसिंग प्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल कूलिंग डिवाइसेस कंसल्टेशन वर्कशॉप हेल्ड? किफायती शीतलन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाकर गर्मी के तनाव को कम करना परामर्श कार्यशाला कहाँ पर आयोजित किया गया? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसेंट अचीवमेंट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2023? इनमें से कौन सा आंसर एसबीआई से रिलेटेड ऑप्शन करेक्ट है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसबीआई टच्ड द ₹5 ट्रिलियन मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हॉकी प्लेयर हैज वन द एफआईएच गोल कीपर ऑफ द ईयर फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सविता पोनिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बाय द आरपीएफ इन नवंबर 2023? आपको बताना है नवंबर 2023 में आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का महत्व क्या है? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकर्स, बच्चों को तस्करों से बचाना, ये नन्हे फरिश्ते का मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए, सो अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच कंट्री कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2? आपको बताना है फतेह 2 कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो दिसंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट बुक। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर अगले साल यानी कि नए साल पे कल 1 जनवरी को। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।